नच स्वतंत्रे संकेतितस्य कर्तृपदस्य तत्रैव लक्षणा न संगच्छत है। स्वतंत्र स्वतंत्र कर्ता कर्तृत्व संज्ञा अन्य कारक निरपेक्ष स्वतंत्र वस्तुओं में स्वयं सूत्रकार ने संकेत कर दिया और फिर उसकी लक्षणा भी स्वतंत्र में ही आप करें, स्व में स्व की लक्षण कैसे हो सकता है? गंगा शब्द का अर्थ धारा है, लक्षणा भी धारा में ही कर दिया आपने, व्यर्थ है। शक्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों भिन्न होना चाहिए सामान्य, इसलिए शंका हुई। क्योंकि आपने कहा ना प्रयोजक संविधान में भी प्रयोज्य में स्वतंत्र कर्तृत्व रहेगा, इसमें भी कर्तृत्व प्राप्त तो से बात करके कर्म संज्ञा किया गया है, इस पर आशंका उठाया गया। एकस्य एकस्मिन्नेव अर्थे शक्ति लक्षणा उभय अभिगमस्य शास्त्रकार असम्मतत्वा इति न च वाच्यम्। एक का एक ही में शक्ति भी हो लक्षणा दोनों ही स्वीकार करना शास्त्रकारों से असम्मत है इति न च वाच्य। तब अंतर करेंगे, एक में कर्तृत्व जो है स्वतंत्रता अलग प्रकार की, दूसरे में स्वतंत्रता थोड़ा साधारण, एक विशेष है एक साधारण, ऐसे भेद कर दो। स्वतंत्रता में क्या है वही कर, संज्ञांतर अनुपहित स्वतंत्र संकेतितस्य, ये विशेष हो गया। सूत्र क्या संकेत कर रहा है? संज्ञांतर अनुपहित, संज्ञांतर माने कर्म आदि संज्ञा जो अन्य कारक हैं उन संज्ञाओं से अनुपहित जो कारक है वो भी क्रिया का संपादन करने वाला, उसमें कर्तृ संज्ञा हो जाएगी, ये विशेष स्वतंत्रता हो। और सामान्य स्वतंत्रता क्या है? संज्ञांतर उपहित अनुपहित साधारण स्वतंत्र लक्षणाभ्युपगमाय बाद का भाव, लक्षणाभ्युपगमे बाद का भावात्। संज्ञांतर उपहित और अनुपहित ऐसे साधारण जो स्वतंत्र, विशेष स्वतंत्र संज्ञांतरों से अनुपहित होना ये विशेष है, और संज्ञा से उपहित अनुपहित दोनों विचार की बिना केवल स्वतंत्र आप जो देखते हैं वो तो साधारण हो गया। ये सूत्र विशेष को लेकर के बोल रहा है और हमने जो लक्षण किया उस विशेष से साधारण में लेके चले। इस संज्ञा गंगा शब्द का अपना शक्यार्थ विशेष क्या है? धारा, और उसे ले गए हम कहाँ? तट में, और तट भी वहां विशेष है, और उसको सामान्य भी कह सकते हैं, तट सामान्य को ग्रहण किया, विशेष तट को ग्रहण करोगे जरूरी। इसीलिए जैसे अन्यत्र भी हम लक्षणायाम यही करते हैं, लेकिन वहां दो भिन्न वस्तु है, यहां दोनों स्वतंत्रता रूपी एक ही वस्तु में, एक ही में साधारण और असाधारण दोनों कैसे हो सकता है? कहते दृष्टांत है हमारे पास, जैसे आगे दे रहे, अतएव जी धातु जय शक्ति प्रतिष्ठ जय लक्षण। जी धातु परिभवे है ना, दूसरों को हराने अर्थ में जी धातु, उसका अर्थ क्या है? सामान्य जय अर्थ में शक्ति है उसका, और प्रकृष्ट जय में उसकी लक्षण कर दी गई। और प्रकृष्टता प्रो उपसर्ग से जब हम प्रजय बोलते हैं, प्रो उपसर्ग द्योतक है, वाचक नहीं है। जो धातु में जो लक्षणा से जाना गया प्रकृष्टता है उसी को प्र केवल द्योतन करता है। धातु का ही दो अर्थ है, सामान्यतया जय है और विशेषतया प्रकृष्ट जय। इसलिए सामान्य को आप जी जय का सामान्य जय लेते हैं शक्ति, तो लक्षण हो जाएगा प्रकृष्ट जय। साधारण विशेषित दोनों ही तो जीत ही है, इन प्रकृष्ट जीत होना और सामान्य रूप से जीत होना, जैसे आजकल के खेल के जमाने में दृष्टांत दिया जाए, आज दो रन से जीत गए, दो रन से जीत गए तो सामान्य जीत हो गए, 150 रन से जीत गए विशेष जीत तो है ही, कहते कि नहीं कहते लोक व्यवहार में। जय में वो प्रकृष्टता, और वो जय में प्रकृष्टता बताने के लिए अन्य धातु प्रयोग नहीं कर रहे हम, उसी धातु से अर्थ निकाल, मैंने एक ही धातु में शक्यार्थ भी है और उसी अर्थ में लक्षणा भी लिया जाता है, दोनों एक में हो सकता है। शक्याधन्येन रूपेण ज्ञाते भवति लक्षणा इति,
क्योंकि भाष्यकार के वचन ने कहा है शक्य का जो अर्थ शक्यार्थ जो भी होगा वो जिस रूप से आपने ग्रहण किया यदवच्छेदेन आप शक्यार्थ ग्रहण कर रहे हैं उसी शक्यार्थ में लक्षणा समानार्थ में किंतु अवच्छेद बदल दो अन्य अवच्छेद न थे उसी चीज को ग्रहण कर रहा हूं इसे जीत को मैंने ग्रहण किया जैतावचन सामान्य रूप में जीत को ग्रहण किया प्रकृष्टत्व हम चीत को ग्रहण कर लिए अवच्छेद भिन्न हो गया लक्षण हो सकती है। वे कह रहे हैं शक्याद अन्य रूपेण अन्य रूप मैंने अन्य अवच्छेदक से ज्ञाते भवति लक्षण तेना प्रजेति तित्र प्रशब्द द्योतक इसे प्रजेति जब प्रयोग करेंगे जयति और प्रजेति में जयति शक्यार्थ बोध कर रहा है प्रजेति लक्षार्थ का बोध करा रहा है लेकिन दोनों जयति से ही अर्थ निकला जयति में ही लक्षण करने से काम चल जाता है अवच्छेदक वेद से लेकिन प्र क्यों जो बोला आपने फिर वहां कहते केवल वह प्रशब्द जो लक्षार्थ को द्योतन करने के लिए है लक्षक अक्षर शब्द है वो प्रकृष्ट चेस्तो जी धातोर एव अर्थ इति नैयायिक उक्ति ही संगच्छत है नैयायिक लोग भी इस बात को स्वीकार जो कहा है उनका भी बात ठीक बनता है व्याकरण के अनुसार जी धातु में ही शक्यार सामान्य विजय हो गया और विशेष जो है उसमें प्रकृष्टता जो है ये धातु से ही मालूम हो रहा है लक्षणा से पर उसका द्योतन कैसे करेंगे आप केवल जयति प्रयोग कर देते ये जयति शब्द शक्यार्थ द्योतक है या लक्ष्यार्थ द्योतक है यह क्या हम ले निर्णय कैसे होगा इसीलिए लक्षार्थ का ही बोध करेगा यह जयति शक्यार्थ का बोध नहीं करेगा जयति इसके लिए हमने प्र इसको द्योतक शब्द को प्रयोग कर देते और प्र कर क्या रहा है केवल जी धातु में लक्षणा को संकेत कर रहा है नापि कर्तृपद से स्वतंत्र लक्षण एवं प्रमाण भाव संज्ञा और कर्तृपद के स्वतंत्र में ही मैंने विशेष स्वातंत्र से सामान्य स्वातंत्र विपरीत है थोड़ा सामान्य से विशेष में लक्षण होता है कहीं पर विशेष से सामान्य में लक्षण यहाँ विशेष से सामान्य में लक्षण हो रहा है कि कर्तृ संज्ञा विशेष में किया पाणिनि ने और उसके लक्षण हम जब कहाँ करेंगे सामान्य में ले जाएंगे इसे कोई प्रमाण नहीं है ऐसा करने में ऐसी आप आशंका न करें क्यों प्रधान कर्मणि आख्येय लादीन आहुर द्विकर्मणाम अप्रधाने दुहादीनाम न्यन्ते कर्तुश्च कर्मणः वही आगे है अंतिम भाग न्यन्ते कर्तुश्च कर्मणः ये जो भाष्यकार ने लिखा है कार्य का इससे मालूम होता है कि भाई नंत में कर्ता को कर्म संज्ञा कैसे हो जाएगा यदि लक्षणा नहीं करेंगे तीनों ने जो कहा न्यन्ते कर्तु कर्मण न्यंत में जो कर्ता है उसी कर्म संज्ञा आपने कर दिया कैसे न्यंत का योग में न्यंत का योग में अन्यंत के कर्ता तात्पर्य भी है श्लोक में तो पूरा नहीं बोल रहे सूत्र को संकेत करते हैं न्यंत का योग में अन्यंत के कर्ता को कर्म संज्ञा जो किया जा रहा है वह लक्षणा के बिना नहीं हो सकती क्योंकि प्रधान कर्मणि आख्येय लादिन आहुर द्विकर्मणा प्रधान कर्म को कथन करने में लादियों को द्विकर्मक कैसे कहेंगे आप बिना लक्षणा किए कि एक क्रिया का एक प्रधान कर्म हो सकता है दो प्रधान कर्म तो हो नहीं सकते अप्रधाने दुहादीनाम इसलिए द्विकर्मणाम कौन दुहादीनाम द्विकर्मणाम अप्रधाने कर्मत्तम कि लादियों में क्या होता है वे केवल प्रधान कर्म का कथन करते लादी लादी माने लादे नहीं लेना ना लादे लादे लकार आदि लट लट लिट वगैरह जो होते हैं लकार आदि ये प्रधान कर्म के ही द्योतन करने के बाद लेकिन दुहादी से जो लकार आते हैं वो द्विकर्मणाम द्योतक हो जाएंगे दुहादी नाम द्विकर्मणाम तब कैसे होगा द्विकर्म अप्रधाने मतलब प्रधान में भी कर्मत्व है अप्रधान में भी कर्मत्व होता है इसी प्रकार से नंते कर्तुश इत्युक्त्वा ये डेढ़ श्लोक हो गया ऐसे कह करके अंतिम पद में क्या कहा भाष्यकार ने नंते कर्तुश्च कर्मणि इति वदतो भाष्यकार सीव प्रमाणत्वात् भाष्यकार ही प्रमाण है स्वतंत्रता में लक्षणत्व में नहीं लक्षणा बिना निजंता नाम द्विकर्मकत्व लभ्यते लक्षणा किए बिना निजंतों के योग में द्विकर्मकत्व प्राप्त ही नहीं हो सकता ये नंते कर्तु वचनम सावकाश
जिसके अर्थ जो है आप नियंत में जो भाष्कर का अंतिम पाद का वचन है उसको सार्थक आप नहीं कर सकेंगे बिना लक्षण के, इसे लक्षण मानना ही पड़ेगा। अब पूरा हो गया भाई, नी वही और ना वार्तिक मूल में, नी वही और ना, नी प्रापणे धातु, नी प्रापणे धातु, वह प्रापणे धातु, इन दोनों धातुओं के योग में पूर्वोक्त कार्य नहीं होगा। कई प्रापणार्थ है ना, गत्यर्थ की है, गति प्राप्त के प्राप्ति के लिए गति की आवश्यकता होती है, पूर्व पूर्व देश विभाग पर उत्तर उत्तर देश रूपा गति के बिना प्राप्ति नहीं हो सकती, इसको लेके जाना भी संभव नहीं या स्वयं के जाके प्राप्त करना भी संभव नहीं, इसलिए गत्यर्था नाम के द्वारा प्राप्त था उसको इसने बांध दिया, वार्ति करने का नहीं। ना इति वाह इति वाह भारम भृत्येन, भृत्य शब्द है अन्यंत कर्ता, उसमें हुआ तृतीया अनुपते कर्तरी तृतीया, भारम वहति भृत्यः, पहला वाक्य क्या रहेगा, भारम वहति भृत्यः, भार को वहन कर रहा है कौन, नौकर, तेन वाहयति उसके द्वारा ढोवाया जाता है, ढोवाने वाले यज्ञ देते हैं, जो ढो रहा है उसको और जड़े जल्दी कर खड़ा उठ भाग, ऐसे बोल के उसको और तेजी करवा रहा है, दौड़ा रहा है, ढोवा रहा है चीज, अरे ना ये थी, कोई जा रहा है नयन कर रहा है उसको और प्रेरणा दो, भृत्य नयन कर रहा था, नौकर बच्चों को ले जा रहा है मान लो स्कूल को, आज के जमाने में है ना, उस घर है जल्दी जल्दी कर, देरी मत कर, लेट हो रहे बच्चे, अब तो यार तुमने लेट किया, नौकर पर नाराज होते हैं, हर घरों में ही होता है नहीं, अगर अंत में सब गुस्सा होंगे जल्दी तुमने नहीं किया, अरे आप जल्दी तैयार करते हैं, हम भी जल्दी ले जाते हैं, ये विवेक नहीं होगा वहाँ, डांटेंगे उसको। ना ये थी वाह ये थी वाह भारम भृत्य ना नियंत्रित कर्तृकस्य वहेरा निषेधा, ये निषेध पर अनिषेध कर दिया, निषेध लागू नहीं होगा, मैंने कर्म संज्ञा हो जाएगा, कब, जब यही वह वह धातु नियंत्रित कर्तृक के प्रति हो तो, नियंत्रित कर्तृकस्य वह अनिश, जैसे वाहेति रतम वाहन सूतः, सूतः माने रथ चलाने वाला, जो रथ को चलाता है सारथी वो सूत जाति होता है, अब वो सूत क्या कर रहा है, घोड़ों को हांग के रथ को ले जा रहा है, कौन ले जा रहे है वास्तव में रथ को, घोड़े ना, और उसको नियंत्रण कर रहा है सूत, इसलिए ये होगा वाह रथम वहती, पहले ही प्रयोग होगा वाह माने घोड़े रथम वहती, घोड़े क्या कर रहे हैं रथ को वाहन कर रहे हैं, अब उसको सूत तान वाहयति, सूत उनको बढ़िया नियंत्रण के साथ ढोवाने में सहयोग दे रहा है, ले जाने में सहयोग दे रहा है, वहां पर क्या क्या जो वाह शब्द को जो अन्यंत का करता था, वाह घोड़े क्या है अन्यंत के करता, अन्यंत माने शुद्ध धातु, वाह रतम वहती ये अन्यंत वाक्य, अब अन्यंत का योग में क्या उसका कर्म संज्ञा हो गया, क्योंकि यहाँ सूत शब्द नयन करने वाला है माने नियंत्र करता वहां प्रयोग हो रहा है, तो घोड़े को लगाम से नियंत्रण करता सूत्र सूत्र में, जब नौकर को नौकर बच्चों को ले जाते वहां नियंत्रण करते तो नहीं, बल्कि वो नौकर बेचारा डरते रहता कहीं ये लोग शिकायत ना कर दे बच्चे मालिक से, नियंत्रण करने में भी डरेगा, वैसे सड़कों में समय थोड़ा नियंत्रण कर लेगा कहीं इधर उधर ना भागे, बस बाकी कुछ बोल नहीं सकते कुछ, और यहाँ तो घोड़े को पीट भी देगा, ये छापू को मारेगा ढंग से कि इधर उधर होने लग जाए, यानी इसलिए नियंत्रण कर्तृत्व उसमें और उसमें नहीं है, ये अंतर समझना है। आदि खाद्योर न, आदि खाद्योर न, आदि खाद्यो अध भक्षण धातु है और खाद्री भक्षण, दोनों भक्षणार्थक धातु है, इनके योग में भी अन्यंत कर्ता को कर्म संज्ञा न कर नहीं होगा। आदिति खादिति वा अन्नम वटुना, वाक्य में दो अलग अलग क्रियापद ना, आदिति अन्नम वटुना, खादिति अन्नम वटुना, वटुना तृतीया हो गया, इसलिए अन्यंत कर्ता को कर्म संज्ञा नहीं होगा। लेकिन भक्ष में भी क्या लेना, अहिंसार्थक भक्षण, हिंसापरक भक्षण हो तो नहीं,
जब भक्षेर अहिंसार्थस्य न अहिंसार्थ भक्षार्थ भक्षार्थ हो वहां लागू नहीं होता। भक्षेति अन्नम वटुना, भक्षेति अन्नम वटुना। अहिंसार्थ से किम, अहिंसार्थ क्यों कहते हो? मैंने हिंसार्थक में कर्म संग इष्ट है, हिंसा पर तक भक्षण क्या होगा? हिंसा पर भक्षण, हिंसा पर भक्षण कहते हैं ये जो गाय वगैरह जा किसी ने खेती खा जाए, गाय है गई सीधा खेती खड़ा हरा भरा, हरा भरा जब तक खड़ा हुआ जीव है जिंदा है वो सूखा नहीं ना भी, उसको खाना एक जीव हत्या करने के बराबर हिंसा है। इसलिए कहते देख दृष्टांत, भक्षेति बलि वरदान सस्यम, सस्यम बलिवर्दाः सस्यं भक्षयन्ति, तान भक्षयन्ति भक्षयति। बलिवर्द क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं खेत को, सस्यों को, और उनको खाने में दूसरा कर हाँ खाओ, दूसरे की खेती खाने में अपने गाय से दूसरे खेती खवा देगा, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं इसमें। भक्षेति बलिवर्दान सस्यम, यहाँ बलिवर्दों में भी क्या हो गया? कर्म संज्ञा हो गया, क्योंकि हिंसा पर रखा है, अहिंसार्थक भक्षण नहीं है, हिंसा पर भक्षण। जलपति प्रवृत्ति नाम उपसंख्यानम, जलपति आदि जो धातु हैं उनके योग में भी जो है उपसंख्यानम कहना चाहिए निषेध को। जलपति भाषेति वा धर्मम पुत्रम देवदत्त, उपसंख्यानम जलपति भाषेति वा एतेषाम अणौ या कर्ता सणौ कर्म स्यात् इति वक्तव्यम, इनके योग में भी कर्म कहना चाहिए क्योंकि मूल में इनकी गिनती नहीं हो रही ना, गति बुद्धि प्रत्यासनार्थ शब्द कर्म अकर्म का, ये सब सकर्मक धातु हैं, गति अर्थक है ही नहीं, और जो तीन गिना वो अर्थ वाले भी नहीं है, गति भी नहीं है बुद्धि भी नहीं है प्रत्यासन अर्थ वाले भक्षण अर्थ वाले भी नहीं है, इसलिए अप्राप्त में वार्तिक ने विधि कर दिया, पहले तो प्राप्त में निषेध कर दिया, अर्थ विशेष में भी पुनः प्राप्त भी कराया वह धातु में, और यह अप्राप्त में वार्तिक के द्वारा विधि हो गया। जल पैते भाषित वह धर्मम पुत्रम हो गया ना, पुत्रम देवदत्त दृशेश्च। इस वार्तिक से ज्ञापन होता है सूत्र में जो ज्ञान लिया ना मति बुद्धि, वह मति शब्द से ज्ञान दिया, वह अर्थ क्या लेना? सामान्य ज्ञान, कि दर्शन क्या है? चाक्षुष विशेष ज्ञान, लेकिन चक्षु इंद्रिय द्वारा ग्रहण किया जाने वाला ज्ञान, इसलिए विशेष ज्ञान अर्थक धातुंग योग में स्पर्शनम जिघ्रणम है ना, स्पृशति जिघ्रति रसयति अन्य इंद्रियों के लिए आप धातु प्रयोग करेंगे, उन धातुंग योग में कर्म संज्ञा नहीं होगा, उन विशेष ज्ञान अर्थक धातुंग योग में, यदि विशेष ज्ञान अर्थक धातुओं के योग में अन्यंत कर्ता कर्म संज्ञा करना है तो दृश्य धातु से ही करना, दृश्य धातु का योग में ही करना। इसे दृशेश्च दर्शयति हरिम भक्तान, सूत्रे ज्ञान सामान्य अर्थानाम एव ग्रहणा, इस सूत्र में ज्ञान सामान्य अर्थक को ही ग्रहण करना है, न तो तद विशेषार्थानाम इत्यनेन ज्ञाप्यते, विशेषार्थ को नहीं लेना चाहिए, यह विशेष ग्रहण करके वार्तिककार ने ज्ञापन करा दिया है। तेना स्मरति जिघ्रति इत्यादि नाम न, स्मर स्मृति धातु स्मरण करना ज्ञान विशेष है, वो जिघ्रण मैंने सुंगना ज्ञान विशेष है कि नहीं, इन सभी का योग में अन्यंत कर्ता कर्म संज्ञा नहीं होगा। स्मार यति घ्राप यति वा देवदत्ते न तृतीया योग, यहाँ तक टीका को देख लीजिए, नी भय और न नी प्रापणे वह प्रापणे इत्यनय न्यंत यह प्रयोज्य कर दो हो, गति बुद्धि इत्युक्त नैति वक्तव्य प्राप्त की जो निषेध कर दिया, नायति वायति वायति भृत्यो भारम नयति, भृत्य जो है क्या कर रहा है? भार को वहन कर रहा है, तम प्रेरयति इत्यर्थ, तत्र प्रयोज्य कर्तुर भृत्यस्य निच प्रत्यर्थम नयनम वहनं च प्रति कर्तु प्रज व्यापारम प्रति कर्मत्वे निवृत्ते निच प्रज्ञं प्रति कर्तृत्वस्यैव निरोपवादत्वेन अवस्थानात् तृतीया बोध्या, प्रयोज्यकर्ता जो वृत्ति है
और निच की प्रकृति जो धातु था शुद्ध धातु नयनम वहनम उसके प्रति कर्ता था ही, और प्रयोजक व्यापार के प्रति कर्मत्व जो प्राप्त तो उसको आपने कर दिया वार्तिक से निवृत्त। जब निवृत्त हो गया कर्मत्व निच प्रकृति अर्थ का जो कर्तृत्व उसके अंदर तो स्वाभाविक पूर्व से ही वो वैसे के वैसे रह गया, और वह कर्तृत्व निच प्रत्यय के द्वारा उक्त नहीं है, लकार के द्वारा यहाँ उक्त नहीं हुआ है, अतएव तृतीय हो जाए। यदि भी निवय प्रापणम अर्थ तथापि गत्य अनुकूल व्यापारार्थ के प्रापणे गतिर विशेषणत्व प्रविष्टतया गत्यर्थ तत्प्राप्तिर्भाव। कोई कह सकता है सूत्र में तो गति का प्राप्ति तो कहा नहीं है, प्रापणम ये कैसे ले रहे हो आप, इस सूत्र से प्राप्त नहीं है। तक ऐसा नहीं, प्रापण का व्यर्थ बिना गति का प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए गत्यर्थ अंदर छिपा पड़ा है उसको लेकर के प्राप्ति आते वाली शेयर करना उचित। वही कह रहे हैं यद्यपि निवयो प्रापण अर्थ तथापि गत्यनुकूल व्यापार अर्थ के प्रापण है। ये प्रापण भी कैसा है, गत्यनुकूल व्यापार है, इसलिए गतेर विशेषण प्रविष्ट दिया, गति के ही विशेष विशेषण रूपेण प्रापणत्व प्रविष्ट है, अतएव गत्यर्थ भी जो सामान्य ग्रहण कर लिया तद अंतर्वर्ती विशेषणत्व भान होता वस्तु भी ग्रहण हो जाएगा, अतएव प्राप्ति भाव नियंत्रित कर्तृकस्य वहेरा निषेध इति एवं च तत्र प्रयोज्य कर्तृ उक्तस्य निवयोर न इति प्रतिषेधस्य अभावे सति। प्रतिषेध का प्रतिषेध हो जाने से जो है अभाव हो गया प्रतिषेध का, तो पुनः प्राप्ति हो गई, इसको प्रतिप्रसव विधि कहा जाता है। ऐसे विधियों को प्रतिप्रसव विधि, एक विधि थी उसको निषेध किया फिर अर्थ विशेष पुनर्विधान कर दिया, पुनः निषेध जो करने के तात्पर्य के पुनर्विधान करना है, अभाव अभाव भाव रूप हो जाता है। यदि प्रषेध से अभाव है सती प्रयोज्य से कर्मत्व वक्तव्य फलिता वाहयती वाहा मैंने अश्वाहा वहंतितान सूत प्रेरित घोड़े वहा कर दिया अश्वाहा, वो क्या कर रहे हैं रथ को वाहन कर रहे हैं, उनको सूत प्रेरणा देता है। सूत जो है तो देखो सारथी के लिए कहते देखो अमरकोश दे रहे हैं नियंता प्राजिता यंता सूत क्षत्ता च सारथी ही सब पर्यायवाची, नियंता प्राजिता यंता सूत क्षत्ता च सूतक शारदी अदंत इदंत पुल्लिंग है, बाकी सब रिदंत पुल्लिंग है, नियंत्री प्राजित्री यंत्री क्षत्री ना त्री के प्रथमागरूप है। वहंती बलिवरदा यवान वाहति बलिवरदान देवदत्ता इति भाष्य उदाहरणात नियंत पशु प्रेरक एव विवक्षिता। वहंती बलिवरदा यवान बलिवर्द जो खाने लगे और उनको खाने की प्रेरणा देता और आगे बढ़ा रहा है देवदत्त। इस भाषादान से मालूम होता है नियंत्रित का मुख्य रूप से पशु प्रेरकत्व ही होता है, वहां भी घोड़े क्या है पशु है उनको प्रेरणा देता, और अन्य तरफ भृत्य क्या करे भार को वहन कर रहे हैं, वहां दृष्टांत में भार पशु नहीं है, भार क्या है पशु विशेष नहीं है, और बच्चे आदि को ले रहे हैं तो वहां भी पशु नहीं है, वहां ये वार्तिक लागू नहीं तृतीय होगी। आदि खाद्य और नेति अध भक्षणे खादरी भक्षणे अनयो प्रयोज्य कर्तु कर्मत्व नेति वक्तव्यम प्रत्यवसनार्थक प्राप्ति प्राप्त का निषेध कर दिया। आदि खादित व अति खादित व अन्न वटु तम प्रेरित इत्यर्था। अहिंसार्थ से भक्षधातु हो प्रयोज्य कर्तु कर्मत्व नेति वक्तव्यम। अहिंसार्थक जो भक्षधातु हो वह प्रयोज्यकर्ता को क्रम संज्ञा नहीं होगा, यही इसका अर्थ करना चाहिए। ननु गति बुद्धि ते सूत्रे अणौ कर्तु नौ कर्मत्वोक्तम भक्षधातुस्तु चुरादित्वात् नित्यं स्वार्थगण्यन्त। भक्षधातु तो अपने आप निजंत है ही, उसका अलग शुद्ध धातु प्रयोग होता नहीं, चुरादि चलेंगे तो चुरादि गण में पठित जो भक्षधातु है उसका भक्षति अलग स्वतंत्र प्रयोग होगा ही नहीं, सदा नित्य वो निजंत है। चुरादि भी हो निच ना, चुरादि गण पर जितने भी हैं उन सब धातु से क्या होता है नित्य ही निच होता है, और निच से फिर निच करोगे आप, चुरादि से निच जो होता है वो स्वार्थिक है, फिर तत्पर से फिर निच करो
निजन से निजन। तो पहले वाला जो चुरादी गणीय निजंत का जो करता है, बाद में जो प्रयोजक जो निजंत आया है निचाया, उसके उस कर्ता के कर्म संग होगा कि नहीं होगा? पूर्व पक्ष के तो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो निजंत है। सूत्र ने क्या कहा? अनौकर्ता अन्यंत कर्ता कोई कर्म संज्ञा होना है। और चुरादी गण से जो हुआ जो निच है उसे निजंत है, अन्यंत तो है नहीं, नियंत है वो। इसे उसके कर्ता को प्रयोजक कर्ता के दृष्टिकोण में कर्म संज्ञा नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है पूर्व पक्ष। ननो गतिविधि सूत्र अनौकर्तो नौकर्मत्व मुक्तम। भक्ष्य धातु कैसा है? भक्ष्य धातु तो चुरादित नित्यम स्वार्थिक नियंत्र, तस्मात पुनः क्या तस्य अनिकर्ता नास्ति। इसे भक्षयति जो रूप बनेगा उसका अन्यंत धातु प्रयोग हो ही नहीं रहा, इसे अनिकर्ता तो है ही नहीं वहां। अतः तस्य कर्मत्व निषेधो अनुपपन्ना, वहां कर्मत्व प्राप्त ही नहीं है, निषेध करना व्यर्थ है। अप्रसक्त चेत न, अतएव निषेधात लिंगात, यह निषेध रूप लिंग से मालूम क्या हो रहा है? गति बुद्धि जी सूत्र है निग्रहण है ना हेतु मत विवक्षित, निग्रहण करने से हेतुमति से होने वाला जो निच है तत्प्रयोजको हेतुश्च हेतुमति च, इन सूत्रों से होने वाला निच को ही लिया गया। और अन्यंत में भी क्या लेना? इसी सूत्र से हुआ निच को लेना, साधारण जो चुरादी वाला निच को नहीं लेना, जो स्वार्थिक निच। तत्प्रयोजक हेतुश्च हेतुमति सूत्र जो होता है निच, मैंने एक बार अपने एक प्रेरकत्व ने आपने एक निश्चय किया, फिर प्रेरणा का प्रेरणार्थ में दोबारा निश्चय किया निजन से निजन, उस स्थिति में ये सूत्र नहीं लगेगा। और चुरादे निजन से प्रेरणार्थ वाले निजंत आ जाए निच आ जाए, तब ये जो चुरादी वाले निच को भी अन्यंत ही माना जाएगा, क्योंकि वो जो नी है वह स्वार्थ में आया हुआ है, हेतुमत अर्थ में प्रयोजक अर्थ में नहीं आया। स्वार्थिक निजंत को भी शुद्ध धातु में लेना, स्वार्थिक निजंत को भी शुद्ध धातु के अंतर ही लेना। जब हमने किसी आपको प्रेरणा दिया, मान लो पानी लाने, और आपने दूसरे को प्रेरणा दिया, इसलिए क्या मैं भी क्या हो गया? निजंत का करता हुआ। मैंने आपको, आप प्रयोज्य थे, आपने भी अगले को प्रेरणा दी, आप भी क्या हो गए? प्रयोजक हो गए कि नहीं हो गए? कारण तो वही क्रिया है, क्रिया तो वही है ना। और किया तीसरे ने, किया तीसरे व्यक्ति ने, अगर दो दो प्रयोजक हो गया, एक ही दाब से दो दो प्रयोजक निजंत प्रयोग हो जाएगा, पहले मेरे लिए प्रयोग होगा फिर आपके लिए प्रयोग हो जाएगा, निच दो आया है वहां, और दोनों निच क्या है? प्रयोजक अर्थ में ही आया। उस स्थिति में सूत्र करता है अणौका अर्थ, एक बार प्रयोजक अर्थ में जो निजंत है उसका जो कर्ता होगा, उसको दूसरी बार प्रयोजक के लिए निजंत के योग में उस कर्ता को कर्म संज्ञा नहीं। स्वार्थिक निजंत का जो कर्ता होगा उसके अनंतर यदि प्रेरणार्थ में निचाता है तो उसके कर्ता के दृष्टिकोण उसके कर्म संज्ञा होने में कोई बाधक नहीं है, यह इनका कहना है। अतएव निषेधात लिंगा गतिविधि सूत्र है निग्रहण हेतुमतव हेतु निचि अनुत्पन्ने सति अन्यंत भक्षी धातु वाच्याम क्रियाम प्रति कर्तुः हेतुमन्त वाच्यां क्रियाम प्रति कर्मत्वम् इत्यर्थः। इसे जिस धातु से अभी तक हेतुवत् निच उत्पन्न ही नहीं हुआ, मैंने स्वार्थिक निच भले पैदा हो गया हो लेकिन हेतुमन निच पैदा नहीं हुआ है, किंतु ऐसे धातु अन्यंत धातु ही माना जाए, जैसे भक्षी धातु वर्तमान में वाच्याम क्रियाम प्रति उसकी द्वाच्य क्रिया के प्रति कर्तुः हेतुमन्त वाच्यां क्रियाम प्रति कर्मत्वम, तब उसी बार में दोबारा जो निचाया है आप दोबारा जो निचाए वो हेतु से, पहला जो निचाए वो स्वार्थिक है, ऐसे में स्वार्थिक निजंत का जो करता है उसको कर्म संज्ञा हो जाएगा। इति अर्थः पर्यवसति शेष इति न दोषः, इसलिए कोई दोष नहीं है। भक्षेति अन्नम बटुना इति चुरादिनंता भक्षदातोर हेतुमंडिचि पूर्व नेर्लोपे हेत्वण्यंता तिबादो सति भक्षेति रूपम एवं च भक्षेति अन्नम वटो खादेति त्यर्था तम प्रेरेति न्यंतस्य अर्थः। यहाँ पर निषेध कर दिया उन्होंने, अतएव वार्तिक से निषेध होने से यह कर्म संज्ञा नहीं होगा।
निषेध ना करते तो हो जाता। एवं च भक्षेति अन्नमट इत्यादि, भक्षेति बलिवरदान सस्यम इति, क्षेत्रे प्रौढ़ आलू नाम सस्यम, यह भी भक्षिता। सस्य को किसको लेना? जो खेती में खड़ा है, अभी उसको काटा नहीं गया है, फसल काटा नहीं गया, खड़ा है, हरा भरा है, उसको कहते हैं सस्यम। तस्य तदानि मंतप्रज्ञ जीवत्वात् तद भक्षणम हिंसैव इति भावः। उसके भीतर में भी उस समय प्रज्ञ जीव है वहां पर, हाँ जिंदा है जीवात्मा, उसमें अभी मरा नहीं हो शरीर उसका, वो जीवात्मा से निकला नहीं है। इसे उसको काटना, इसे खा लेना, कुछ करना हिंसा ही, इसे सूखने देना पड़ता है खेती को, तब काटा जाता है। लेकिन हरा भरा भी काट देते हैं, जब गौ की चारा वगैरह जो, तो हरा चारा ही तो काटा जाता है, नहीं काटते हैं। काटते हैं हरा चारा, बरसीन वगैरह काट देते हैं, हरा हरा ही काटना पड़ता है, सूखे को तो खाएगी नहीं उस चीज को ढंग से, लाभ भी कम सुखा करके खिलाने में, मानना पड़ता है उसका भोजन वैसा है, चलो वैसा उसका अपवाद करना पड़ेगा, और नहीं तो काटना तो हिंसा है, पाप है। जलपति प्रवृत्ति एतेषाम अणव्याकर्ता स नौ कर्म स्यादिति वक्तव्या। जलपति भाषति वा इति धर्ममिति शेष, पुत्रो धर्मम जलपति भाषते वा तम देवत्व प्रेरति इत्यर्थ। गत्यर्थाश अनंतर्भावाद वचन न च शब्दन क्रियार्थत्वादेव सिद्धे वचन विदं व्यर्थम इति न वाच्य। शब्द कर्मणाम है ना, ये तो बोल रहा है, उच्चारण कर रहा है, पाठ कर रहा है शास्त्रों का, धर्म को पढ़ना, धर्म के बारे में बोलना, शब्दन कर्म है ही यहाँ, तो शब्द कर्म का तात्पर्य ले लो। इति न वाच्य। अतएव शब्द कर्म अकर्म करणाम इत्यस्य अर्थ क्या किया? शब्द कर्म का अर्गम एशाम बहुरी समास इति अर्थत्वा। अन्यथा वेदम अध्यापति विधिम करके जो श्लोक में ही आपको दिया था दृष्टांत, वो भी तो क्या है, वेदों को पढ़ाना, पढ़ाना मैंने गुरु के द्वारा बोलना, वहां भी शब्द कर्म हो जाएगा, फिर तो अप्राप्त हो जाएगा उस जगह पर। इसीलिए शब्द कर्म नाम का तात्पर्य अर्थ नहीं ना, शब्द है कर्म जिसका, ऐसे बहुरी समास कर देना, सामान्य बोलने आदि अर्थ में नहीं घटेगा तब। अन्यथा वेदम अध्यापति विधिम इत्यसिद्धे है वार्तिके आदिना व्यवहारति वदति आदि नाम संग्रह। जलपति के जो है और आदि से क्या लेना, जलपति प्रवृत्ति नाम का ना प्रवृत्ति, उसके लिए कह रहे हैं प्रवृत्ति से व्याहरति वदति, मैंने बोलने वाले ही दातों को लेना इत्यादि नाम संग्रह। भाष्य तो के पुनर्जलपति प्रवृत्य जलपति विलपति आभाषते इत्य उत्तम, इतना ही किया। और कुछ लोग कहते हैं यही परिगणना है, उन्होंने जितना बोला उतना ही मानेंगे और अन्य पर्यायों को नहीं लेंगे। परिगणना मिति एक है, ये भाष्यकार जो तीन बोल दिया ये परिगणना कर दिया है उन्होंने, इसलिए जो वदति व्याहरति इनमें नहीं होना चाहिए इनके योग में, ऐसा एक है। उदाहरण मात्र प्रश्न मिति अन्य, कुछ लोग कहते हैं तो उदाहरण मात्र प्रदर्शन कराया है, परिगणना तो किया नहीं है, इसलिए व्याहरति वदति इत्यादि योग में भी हो जाएगा। दृशेश्चेति दृशिर प्रेक्षणे अस्यापि अणव्याकर्ता सणौ कर्मस्य इति वक्तव्यम् इत्यर्थः। ये स्कार करें हरिम भक्ताः पश्यन्ति तान् गुरुः प्रेरयति। हरि को भक्त देख रहे हैं और उन्हें गुरु प्रेरणा देता है। ननो दृशेर बुद्धि विशेष विशेषात्मकत्वादेव, दृशेर बुद्धि विशेषात्मकत्वादेव सिद्धे किमर्थम इदं वचनम इत्यता। दृशेर बुद्धि विशेषात्मकत्वादेव सिद्धे किमर्थम इदं वचनम इत्यता सूत्र इति। गति बुद्धि इति सूत्र है, बुद्धि ग्रहणेन ज्ञान सामान्य वाचिनां विदज्ञाने ज्ञावबोध इत्यादिनां एव ग्रहण न तो ज्ञान विशेष वाचनाम इत्येतद् दृशचित्तेन विज्ञायते, अन्यथा दृशित्यस्य वैयर्थ्य प्रसंगा। इसको प्रत्याख्यान कर देते भाष्यकार, इस वार्ते को निज्जत रखा है, प्रत्याख्यान नहीं किया, खंडन नहीं किया, इसका मतलब भाष्यकार को भी यह इष्ट है। तेन ज्ञापनेन इत्यर्थः स्मृति जिघ्रति इत्यादि नाम इति
आदिन प्रेक्षते इत्यादि संग्रह स्मारयदिति स्मारयति ग्राप इति वा देवदत्तेन स्मरति प्रियां देवदत्तः जिगृति चंद्रम देवता तम यज्ञ प्रेरयति देवदत्त अपने प्रिया को स्मरण कर रहा है और उसको प्रेरणा देता है यज्ञ दत्त और इसी प्रकार से देवदत्त चंदन को सूंघ रहा है उसको प्रेरणा देता है यज्ञ दत्त इत्यादि यहां तक तत्व बोध नहीं देखो नीवरि यद्यपि अनयो प्रापणाम अर्थ न गति तथापि गतिरपि विशेषणी भूय प्रापण मध्य प्रविष्टा इत्येतावन मात्रेण प्राप्ति मत्वा प्रतिषेध कहा गया है नियंत्रिति नियंता पशु प्रेरक न तो सारथिरेव इति तेन वाहयति बलिवर्दान यवान इति सिद्ध्यति अस्मादेव भाष उदाहरणाद रूढ़िर योग्यम अपहरति इति न्यायोत्र न स्वीक्रियते योगाद रूढ़िर बलियस नियम यही है ना यौगिक की अपेक्षा रूढ़ बलवान होता है और रूढ़ हमेशा यौगिक अर्थ को उड़ा देता है लेकिन वह नियम यहाँ लागू नहीं होता ये रूढ़ को त्याग करके यौगिक अर्थ को लिया जा रहा है ना यहाँ जो है सूत शब्द रूढ़ कहा था सारथी में लेकिन आपने उसको ले गए पशु प्रेरक सामान्य में रूढ़ को त्याग दिया यौगिक अर्थ को स्वीकार किया यही यहाँ पर ज्ञापन कर रही थी न्यायोत्र न स्वीकृत उसको यहाँ स्वीकार नहीं कर रहे ये अर्थ किया है भाष्यकार ने अनिषेधयति प्रयोज्य कर्म इति वक्तव्यमिति फलितवर्ता यैस्तु प्रापणं गतिशब्देन गृह्यते यैर्वा न गृह्यते उभयेषामपि इदं वचनम् आवश्यकमेव दोनों ही की दृष्टिकोण से जरूरत है क्योंकि निवहि और न इति वचनं तो यही प्रापणं गतिशब्देन न गृह्यते तेषाम् अनावश्यकमिति बोध्यम् इन जिन लोगों का कहना है निवहि और नई वार्तिक कोई जरूरत नहीं पड़ती है कि प्रापण को यदि गतिशब्द से ग्रहण हो ही जाएगा वहां तो आवश्यक नहीं रहेगा ना प्राप्त से प्राप्त नहीं है तब होगा अब प्राप्त प्राप्ति में निषेध हो जाएगा और एक प्राप्त प्राप्ति में निषेध होगा प्राप्त प्राप्ति में निषेध करना ज्यादा अच्छा माना गया श्रेष्ठता है अप्राप्त प्राप्ति निषेध तो उचित नहीं है इसलिए जिन लोगों के नी और वह धातु को गत्यर्थ में ले लेंगे तो प्राप्ति है तो निषेध करना सार्थक हो जाएगा और जो लोग नहीं लेते हैं प्राप्ति के अंतर्गत गति के अंतर्गत उनके मत में अनावश्यक होगा अप्राप्त का निषेध करने क्या जरूरत है प्राप्त ही नहीं है तो निषेध क्यों करोगे सूत इति नियंता प्रायता यंता सूत क्षता च सारथि इत्यमरः प्रत्यवसनार्थत्वात् कर्मत्वे प्राप्ते निषेधम् आह आदि खाद्योरिति आदिभक्षणे खाद्रभक्षणे प्राजातु आदि इति पठ्यते एक नंबर टिप्पणी एतेन ज्ञायते यद् मूले आदि खाद्योर् नित्यं पाठस्तत्वबोधिनी सम्मतः आदि खाद्यो तत्वबोधिनी के आधार पर नहीं तो अधिकाद्योर होना चाहिए निच करके आदि कर दिया से निच करो तो क्या होगा धातु आदि और खाद धातु से निच के तो खादी आदि खादी धातु के योग में तब तो न्यंत अवस्था अनुकरणम इति न्यंत अवस्था का ही अनुकरण किया इति बोध दिया आदि यति यह निगरण चलनार्थ भ्यस्त प्रसेपद नियमो न प्रवर्तते अदेह प्रषेध इत्यस्य निषिद्धत्व तेन अकर्तृभिप्राय क्रियाफले शेषाकर्ति प्रसन्नति प्रसेपदम कर्तव्यप्राय तो निचस्य आतृपदम भवत्येव इति बोध्याम दोनों रूप बन जाएंगे पक्षरिति नन्द गतिबुद्धि सूत्रेण अणौ कर्तुर नौ कर्मत्वं विधीयते न तो नौ कर्तुर इति प्राप्तिरेव अभावात् निषेधं वर्तेति चेत् अत्राह हेतुमन् निजन्ते विदिरिति निषेधोपि अणौ इति अयम् सन्निधानाद् हेतुमंडित विषय तेना चुरादन जनते अपी भक्षेतो प्राप्ति सत्ता तन निषेध उपसंख्या मैंने अणव में जो नी है वह उसे पूरा अणव करता है ना नौ जो है सूत्र नौ भी है अणव करता सा नौ जो नौ करता आप क्या ले रहे हैं उसी को अणव में ही लेना पड़ेगा नौ में आप क्या ले रहे हैं हेतु में जो प्रोजेक्ट वाला निच को ले रहे हैं इसे अणों में निषेध भी जो होगा उसी का निषेध होगा इसे केवल जो स्वार्थिक निश्चय है उसका निषेध नहीं भक्षेति बलिवर्दा सस्यं भक्षयन्ति तान् भक्षेति इत्यर्थः क्षेत्रस्थानां यवानां भक्षमाणानां
हिंसाचेय तस्याम अवस्थ्यं तेषां चित्रत्वात् जल्पति प्रवृत्तिनामिति जप जल्प व्यक्तं वाचि पुत्रो धर्मं जल्पति तं देवदत्तो जल्पेति इति अन्यन्तस्तां पुत्रः कर्ता अन्यन्तसं कर्म भवत् तथा पुत्रो धर्मं भाषते तं भाषे देवदत्त इति न च जल्पति भाषत्योः शब्दक्रियत्वेन गतिबुद्धि इति सूत्रेण सिद्धे उपसंख्यनमिदं व्यर्थमिति वा भ्रमितव्यं शब्दकर्मणामित्यस्य शब्दकर्मकारकं येषाम् इत्यर्थात् अन्यथा वेदमध्यावत् विधिमित्यादिरपि असिद्धिप्रसङ्गात् पूर्वदेशम् एवं पुत्रो यत्किञ्चित् विलपति तं विलापयति इत्यादि अपि ऊह्यं समानार्थक स्मारति इत्यादि आध्यानार्थकस्यैव स्मरतेः घटादिमिति निमित्तं न चिन्तनार्थकस्य इति भावः स्मारति सति दीर्घे न तु ह्रस्व हो जाता देवदत्तेन स्मारयत्येन वनगुल्मः इत्यत्र तु नेरणौ इति सूत्रे भाष्ये प्रयोगः देवकर्मत्वं बोध्याम्